सर एक जो बहुत बड़ा थीम है ना वो है कि जहां पे कंपनीज वो ढूंढिए जहां पे कैपेक्स ऑलरेडी हो चुका है, यू आर वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और अ सीवी साइकिल टू टर्न। और कुछ कंपनीज सर जो आज के टाइम पे भी ना जिनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30% 40% है, सो आप सोचिए जब उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे से 60% 70% 80% होने लगेगा, सर मानिए मेरी बात कि अगले 2 साल में आप उनका रेवेन्यू 2 गुना 3 गुना 4 गुना देखेंगे। इतना बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का इम्पैक्ट मिलेगा उनको। हम बात हमने डिस्क्लेमर सर सॉरी भूल गया, मैं डिस्क्लेमर पहले हमने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है एज ए स्मॉल कैप पिक, आई डोंट ओन दिस स्टॉक पर्सनली, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्लेस इफ यू आर बुलिश ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सीवी साइकिल। हम बात कर रहे हैं नेलकास्ट की सर, ये लार्जेस्ट जॉबिंग फाउंड्री है सर इंडिया में, लार्जेस्ट है, मतलब जितना इसका कैपेसिटी है किसी का भी इतना कैपेसिटी नहीं है। तो आपको मार्केट का कम दिखेगा बट सर ये कोई छोटा कंपनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइज, डक्टाइल ग्रे आयरन कास्टिंग्स बनाता है सर। मतलब कि आपको कुछ भी आप एनीथिंग विच कम्स टू योर माइंड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स है, चाहे ट्रैक्टर्स फार्म इक्विपमेंट्स है, चाहे ऑफ हाईवे आर्मी ट्रक्स है, रेलवे है, एसयूवीज है, सीवीज है, पावर ट्रेन है, इस सबको कैटर करता है। और सब जो बड़े बड़े कंपनीज है ये इनके क्लाइंट्स है सर। 20% हमें लगता है कि इसका आरओसी बन जाए अगले 2 साल में, 11 टाइम पे कंपनी ट्रेड करता है जो नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स हमारे हिसाब से है, तो ये बहुत ही सस्ता कंपनी है उस केस में। क्यों इस कंपनी की तरफ देखना चाहिए सर, जैसे मैंने बोला बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी में आ सकता है, इसलिए जितना भी कैपेक्स था सर पूरे का पूरा मेजर कैपेक्स डाउन साइकिल में कर दिया। कंपनी सर जो लास्ट के 15-20 साल सर्वाइव की है बुरे टाइम में, उन कंपनीज को देखना चाहिए। एज ए सर 38% यूटिलाइजेशन में ट्रेड करता है सर, जब इसका पीक रेवेन्यू जितना इसके कैपेसिटी है उस हिसाब से 1700 करोड़ से 1800 करोड़ हो सकता है सर, जो इसने अभी 611 करोड़ किया था लास्ट ईयर। तो आप देखिए सर तीन टाइम्स इसका सेल्स हो सकता है विद द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। हम लोग सीवी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में बहुत बुलिश है सर, तो जब उसका अपटर्न आएगा तो ये सब कंपनीज का अपटर्न आएगा और आप देखें कि ऑपरेटिंग लेवरेज कितना बड़ा होगा। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है सर, सिग्निफिकेंटली लो बेस है इस कंपनी का, कोई इस कंपनी को देख नहीं रहा, और एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अकड़ा है सर। एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है सेल्स है वो 3 करोड़ होता था FY14 में, आज के टाइम में 126 करोड़ हो गया है और ऑलरेडी इसने 110 करोड़ फर्स्ट हाफ में क्रॉस कर दिया है, तो एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा इन कंपनीज के लिए बन रहा है। अगर आप पीपीपी मॉडल प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर सर इनके थे राधाकृष्ण रेड्डी, ही वाज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर नागपुर से, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी। राइट नाउ दीपक रेड्डी इज द गाय हु इज होल्डिंग आई थिंक 56% स्टेक इन द कंपनी, वो इस कंपनी को चला रहे हैं। उनका एजुकेशन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और केलॉग बिजनेस स्कूल से है, सो यू नो बहुत ही पुराने नामी गिनामी लोग हैं जिनका ये कंपनी है। प्रोडक्ट के बारे में मेरे ख्याल में आपको बता चुका हूँ सर, अगर आप देखें कि हाँ इनका टिपर सेगमेंट फेरस कास्टिंग में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, टिपर 30% होते हैं सीवी इंडस्ट्री के। अगर आप एमएचसीवी ट्रैक्टर्स रेलवे एक्सपोर्ट मार्केट एसयूवी किसी की बात करें तो आपको किसी भी कस्टमर से पता चल जाएगा व्हाट नेलकास्ट इज में, तो ये उसके बारे में हो गया। प्राइस के बारे में बात करें जैसे मैंने बोला सर हमारे हिसाब से 19-20% आरओसी इस कंपनी का बन सकता है, 11 टाइम में ट्रेड करता है, निग्लेक्टेड स्टॉक है, कोई इसको देखता नहीं है। 10 ईयर अगर मैं मीडियम प्राइस अर्निंग देखूं तो सर इसका 20 टाइम के आसपास है। इसका कैपेसिटी सर 160,000 टीपीए है और इसका पीक रेवेन्यू जैसे मैंने बोला कि 3 गुना हो सकता है करंट रन रेट से और 4 टाइम इसका एबिटा जंप हो सकता है। तो आपको साइकिल का वेट करना है और आपको देखना है कि आपको किस लेवल पे लेना है। आज भी सर डेट इक्विटी इसकी सिर्फ 0.3 है, कोई ऐसा नहीं कि नेट डेट इक्विटी बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये 2-3 साल में डेट फ्री हो जाएगा। इसके पास कुछ 400 एकड़ लैंड भी पड़े तमिलनाडु में जो मैनेजमेंट ने बोला है कि इसको मोनेटाइज करेगा, अगर वो मोनेटाइज कर देता है इट विल बी अ बिग ट्रिगर फॉर द कंपनी। बट एज ए सेड कि अगर आप वो साइकिल खेल रहे हो मैन्युफैक्चरिंग सीवी साइकिल खेल रहे हो, दिस इज वन कंपनी यू कैन स्टडी जहां पे जब ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा 38% से सीयू से 70-80-90% हो जाएगा, then the sales can triple and EBITDA can be 4 times for this company and stock prices will follow that. Okay, तो ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस पर बुलिश हैं तो ये एक इनडायरेक्ट पे है नेलकास्ट स्मॉल कैप आइडिया वरिंदर की तरफ से आता हुआ।